नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के दिन सरकार ने प्रदेश के लोगों को तोहफा दिया है। राज्य शासन ने छठ पूजा के अवसर पर मध्य प्रदेश में 2 नवंबर को ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन ने छठ पूजा पर्व पर शनिवार को प्रदेश के शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं के लिए ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है। मध्य प्रदेश के 64वें स्थापना दिवस पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक साथ नजर आए। दोनों नेता एक दूसरे पर तीखे प्रहार करते हैं, लेकिन प्रदेश के स्थापना दिवस पर दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले और एक दूसरे के सामने अपना संबोधन भी दिया। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल जारी है। शुक्रवार को राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। शासन ने अपर मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उषा परमार का तबादला कर दिया है। उन्हें गृह विभाग में उप सचिव पदस्थ किया गया है, जबकि भोपाल की अपर कलेक्टर सलोनी सिडाना को अपर मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बनाया गया है। एमपी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के दमोह संसदीय सीट से निर्वाचन को जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह चुनौती कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह लोधी द्वारा दी गई है। निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने पटेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 3 हफ्ते के बाद होगी। अरब सागर से लगातार मिल रही नमी के कारण प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की बरसात का सिलसिला जारी है। साथ ही अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान महा के असर से नमी बढ़ने का सिलसिला तेज होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वजह से बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी। 2 दिन बाद प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बरसात का दौर भी शुरू हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।